हेलो गाइस, वेलकम टू HPPS स्कूल। टुडे वी सी चैप्टर 6 चेरी ट्री ऑफ 11th क्लास इंग्लिश। वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर। आइए हम चैप्टर 6 चेरी टेरी का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डिफिकल्टीज डिड द चेरी ट्रीज फेस इन ग्रोइंग अप। बड़े होने में चेरी के पेड़ को किन डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। व्हाट डिफिकल्टीज डिड द चेरी ट्रीज फेस इन ग्रोइंग अप। बड़े होने में चेरी के पेड़ को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसका आंसर देख लेते हैं। द डिफिकल्टीज दैट द चेरी ट्री फेस्ड इन ग्रोइंग अप वर दैट इट वॉज नॉट वाटर्ड, इट सरप्राइज्ड बाय द टॉल वर ग्रास गोट्स एट इट्स ल्यूज ग्रास कटर स्केथिम इट एंड स्प्लिट इट अपार्ट। ठीक है, ध्यान समझिएगा। बड़े होने में चेरी के पेड़ को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है वह यह थी कि उसे सींचा नहीं गया था। ठीक है, उसे सींचा नहीं गया था, इट वॉज नॉट वाटर। ठीक है, यह लंबी जंगली घास में दबा हुआ था। ठीक है, यह लंबी जंगली घास में से दबा हुआ था। बकरे उसके पत्ते खा गए, ग्रास कटर इसे काटकर अलग कर दे। ठीक है, गोट्स एट इट्स ल्यूज बकरे इसके पत्ते खा गए, ग्रास कटर, ठीक है, ग्रास कटर इसे काटकर अलग कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मायरेकल। चमत्कार क्या है। हाउ वॉज इट कॉज्ड बाय टाइम एंड रेन। यह समय और बारिश के कारण कैसे हुआ। यह समय और बारिश के कारण कैसे हुआ। आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। द मायरेकल इज समथिंग दैट इज थॉट्स टू बी डन बाई सम डिवाइन आर सुपर नेचुरल पावर। चमत्कार एक ऐसी चीज है, चमत्कार एक ऐसी चीज है जिसे किसी देवी या अलौकिक शक्ति द्वारा किया जाना माना जाता है। ठीक है, हर टाइम एंड रेन कॉज द ग्रोथ एंड ब्लूम ऑफ द चेरी ट्रीज डिस्पाइट ऑल इट्स डिफिकल्टीज। इधर समय और बारिश ने अपने तमाम कठिनाइयों के बावजूद, इधर समय और बारिश ने अपने तमाम कठिनाइयों के बावजूद चेरी के पेड़ को बढ़ने और खिलने का कारण बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द पोएट रिफर टू इन 5 months चाइल्ड। पाँच मंथ के बालक में कवि किसका उल्लेख करता है। ठीक है, 5 months के बालक में कवि किसका उल्लेख करता है, तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। द पोएट रिफर्स टू द चेरी ट्री एज 5 months चाइल्ड। ठीक है, कवि ने चेरी के पेड़ को 5 months का बच्चा कहा है। ठीक है, कवि ने चेरी के पेड़ को 5 months का बच्चा कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द पोएट सेज इट्स आर्म्स इन फ्रेश फर्स जस्ट व्हाट डू इट्स आर्म्स स्टैंड्स फॉर। कवि कहता है, कवि
कहता है उसकी भुजाएं ताजे भयंकर वासना में, ठीक है, कवि कहता है उसकी भुजाएं ताजे भयंकर वासना में, इसकी भुजाएं का क्या अर्थ है, ठीक है। द पोएट सेज इट्स आर्म्स इन फ्रेश फर्स जस्ट व्हाट डू इट्स आर्म्स स्टैंड फॉर, ठीक है। कवि कहता है कि उसकी भुजाएं ताजी भयंकर वासना में, इसकी भुजाएं का क्या मीन्स है, इसका आंसर देख लेते हैं। इट्स आर स्टैंड फॉर द ब्रांचेस ऑफ द चेरी ट्री, इसके स्टैंड चेरी के पेड़ की शाखाओं के लिए है, ठीक है। इट्स आर स्टैंड फॉर द ब्रांचेस ऑफ द चेरी ट्री, इसके स्टैंड चेरी के पेड़ की शाखाओं के लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मेंशन हु थिंक्स दैट द पोएट सॉ व्हेन ही वॉज ट्राइंग टू लुक एट द स्काई थ्रू द लीव्स ऑफ द चेरी ट्री। दो चीज़ों का उल्लेख कीजिए, ठीक है, दो चीज़ों का मेंशन कीजिए जो कवि ने तब देखी वे चेयर के पत्तों से आकाश को देखने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। द टू थिंग्स दैट द पोएट सॉ व्हेन ही वॉज ट्राइंग टू लुक एट द स्काई थ्रू द लीव्स ऑफ द चेरी ट्री वर, जब कवि ने चेरी के पेड़ की पत्तियां से आकाश को देखने की कोशिश की तो उसने दो चीज़ें देखी वे थी, ठीक है। द टू थिंग्स दैट द पोएट सॉ व्हेन ही वॉज ट्राइंग टू लुक एट द स्काई थ्रू द लीव्स ऑफ द चेरी ट्री वर, जब कवि ने चेरी के पेड़ की पत्तियों से आकाश को देखने की कोशिश की तो उसने जो दो चीज़ें देखी वह ए थी, ठीक है। द फिंचेस विच फ्लेव एंड फाइटेड, ठीक है, फिंच जो उड़ गए, ठीक है। बीच ड्रिंकिंग नेक्टर फ्रॉम इच ब्लूम, चेरी के पेड़ के प्रत्येक फूल से अमृत पीती मधुमक्खियाँ, ठीक है, चेरी के पेड़ से प्रत्येक फूल से अमृत पीती मधुमक्खियाँ।